जादुई बांस का ऑटो रिक्शा। नारंगपुर के एक छोटे से गांव में एक मनोहर नाम का आदमी रहता था। मनोहर बहुत गरीब था और वो एक कारपेंटर था। लकड़ियां उसे उसके बजट से महंगी पड़ती थी, जिसके चलते वो बांस से मजबूत फर्नीचर बनाकर बेचा करता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आता है और उससे कहता है, पिताजी, आप बांस से इतने प्यारे फर्नीचर कैसे बना लेते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि एक सिंपल बांस से आप इतना अच्छा काम कर लेते हो। अरे बेटा, यही तो कलाकारी है। तुम्हें पता है ये बांस बहुत मजबूत होता है, लेकिन कोई भी बांस से बना हुआ कुछ भी सामान पसंद नहीं करता। मेरा सामान बहुत ही कम बिक पाता है। पिताजी, आप ही ने तो कहा था, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं, इसीलिए आप भी मेहनत कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। अपने बेटे की बात सुनकर मनोहर को और हौसला मिल जाता है, जिसके बाद वो बांस से काफी चीजें बनाना शुरू कर देता है। गांव के बहुत ही कम लोग उससे बांस के बने हुए सामान खरीदते। एक दिन मनोहर अपने मन ही मन में सोचता है, बांस का काम करने से भी मेरे घर का गुजारा नहीं चल पा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे कुछ ना कुछ तो कमाने का साधन सोचना ही होगा। वहां पर उसकी पत्नी सावित्री आती है और उससे कहती है, अजी, आज मेरे पास जो पैसे थे ना, उसमें घर का थोड़ा सा सामान और राशन ले आई हूँ, और फिर नूपुर बाजार में ही खिलौने की जिद करने लगा था, जिसके चलते मुझे उसको उसकी पसंद का एक खिलौना दिलवाना पड़ा। कोई बात नहीं, हमारा बेटा अभी छोटा है, वो हमारी मजबूरियों को नहीं समझ पाएगा। आपको एक बात और बतानी थी, जब आप बांस लेने गए थे तब मकान मालिक आया था और किराए के लिए कह रहा था। हाँ सावित्री, मैं जानता हूँ, अभी तक हमारा किराया भी नहीं गया है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द घर का किराया दे दूँ। ये सब कहने के बाद सावित्री खाना बनाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद मनोहर अपने बेटे नुपुर को उसके खिलौने से खेलता हुआ देखता है। नुपुर एक ऑटो रिक्शा जैसे दिखने वाले खिलौने से खेल रहा होता है। अरे वाह, मेरा ऑटो रिक्शा तो बहुत ही प्यारा है, इसे तो मैं आराम से चला सकता हूँ। अरे वाह, इस ऑटो रिक्शा को देखकर तो मुझे एक सुझाव आया है। मनोहर तुरंत जंगल से कई सारे बांस लेकर आता है और उनसे एक ऑटो रिक्शा बनाने की कोशिश करता है। कुछ ही दिनों में वो बांस से एक ऑटो रिक्शा बना लेता है। आखिरकार मैंने अपना बांस का ऑटो रिक्शा बना ही लिया। अपना बांस का बना हुआ ऑटो रिक्शा ले जाकर बाकी के ऑटो रिक्शाओं के पास वो खड़ा कर देता है। आओ आओ आओ, मेरे ऑटो रिक्शा में बैठकर बांस के ऑटो रिक्शा का आनंद उठाओ। वहां बाकी के ऑटो रिक्शा वाले उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्यों मनोहर भाई, अरे तुम्हें तुम्हारा काम साज नहीं रहा क्या, जो ऑटो रिक्शा चलाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं? अरे ये सब छोड़ो, जरा इसके ऑटो रिक्शा को तो देखो, अरे ये तो एक बांस से बना हुआ है। मैं जानता हूँ मेरा ऑटो रिक्शा बांस से बना हुआ है, लेकिन मेरा ऑटो रिक्शा तुम्हारे ऑटो रिक्शा से बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि इसे चलाने के लिए मुझे पेट्रोल का भी खर्चा नहीं लगता है। मनोहर की बातें सुनने के बाद वहाँ खड़े सभी ऑटो रिक्शा वाले उस पर हंसने लगते हैं। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी मनोहर की ऑटो रिक्शा में बैठने नहीं आता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो मैंने अपने सारे बांस इस ऑटो रिक्शा को बनाने में ही लगा दिए, ऊपर से अब मेरे ऑटो रिक्शा में कोई बैठ भी नहीं रहा। ऐसे ही मनोहर को एक दो दिन और गुजर जाते हैं, उसके ऑटो रिक्शा में कोई नहीं बैठता। तभी एक दिन एक पंडित वहां खड़े ऑटो रिक्शा वालों को कहते हैं, अरे अरे तुम लोग जरा मुझे मंदिर तक छोड़ आओगे क्या? अरे पंडित, शर्म नहीं आती तुझे? फ्री की सेवा उठाने के लिए हम लोगों के पास चला आता है, तुझे नहीं पता हम कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। अरे भाई, मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है कि मैं फ्री की सेवा वाले को अपनी ऑटो में बिठाऊं। पंडित जी, आप एक काम कीजिए, मेरे ऑटो रिक्शा में बैठ जाइए, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा और आपको सही सलामत आपके मंदिर तक पहुंचा दूंगा। वैसे भी मेरे ऑटो रिक्शा में कोई बैठा ही नहीं है। मनोहर उसे अपने ऑटो रिक्शा में बैठा लेता है, जिसके बाद वो उसे मंदिर पर ले जाकर छोड़ देता है। मंदिर के अंदर जाने से पहले पंडित मनोहर के सर पर हाथ रखकर उससे कहता है, तुम बहुत अच्छे हो और लोगों का भला सोचते हो, तुम्हारे संकट बहुत ही जल्द हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे बेटा। उसके इतना कहते ही उसके हाथ से रोशनी निकलती है,
जिसके बाद वो मंदिर के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर जब वापस जाने के लिए अपना ऑटो रिक्शा चलाता है तो वो मिनट से पहले वापस अपनी जगह पहुंच जाता है। अरे वाह, ये कैसे हुआ? मैंने तो बस एक ही जगह पर इसकी कल्पना की थी और मैं ऑटो में बैठते हुए यहाँ पहुँच भी गया। ये पंडित जी का कोई चमत्कार तो नहीं? उस दिन के बाद से मनोहर किसी भी जगह जाने के बारे में सोचता और ऑटो के अंदर बैठ जाता। ऑटो एक मिनट से पहले उस जगह पर पहुंच जाता, जिसके चलते अब वो अपने गांव के कई लोगों को अपने ऑटो पर बैठाता है और उन्हें एक मिनट से पहले ही उनकी जगह पर पहुंचा देता है। अरे आओ आओ और मेरी चमत्कारी जादुई ऑटो में बैठो। अरे एक मिनट में सोचोगे और दूसरी मिनट में वहां पहुंच जाओगे। ऐसा ऑटो तुमने कभी नहीं देखा होगा। आओ आओ। अरे बेटा, मुझे दूसरे गांव में जाना है, क्या तुम मुझे दूसरे गांव में पहुंचा दोगे? अरे हाँ हाँ दादी माँ, क्यों नहीं, आपको तो मैं 200 की स्पीड में पहुंचाऊंगा। ये कहकर मनोहर अपने जादुई बांस के ऑटो में कल्याणी को बैठाता है, जिसके बाद वो ऑटो रिक्शा में बैठकर दूसरे गांव के बारे में सोचता है और एक मिनट से पहले ही वहां पहुंच जाता है। इतनी फास्ट स्पीड देखकर कल्याणी उसको 100 रुपए का नोट दे देती है। अरे भाई साहब, जरा थोड़ी देर के लिए मेरा यहाँ इंतजार कर लो, क्योंकि मुझे एक गर्भवती औरत की डिलीवरी करवाना है। मैं एक दाई माँ हूँ, मुझे वापस भी घर जाना है। तुम्हारी इस फास्ट स्पीड की वजह से मैं जल्दी वापस जा सकती हूँ। ठीक है दादी माँ, मैं आपका इंतजार करता हूँ, आप जाइए। कल्याणी एक घर में जाती है, वहाँ वो एक औरत का बच्चा पैदा करवाती है। कुछ ही देर में बच्चे की किलकारियों की आवाज आने लगती है, जिसके बाद कल्याणी एक बच्चे को गोद में लिए और उस औरत के पति से कहती है, अरे मुबारक हो सबको, बेटा हुआ है। खबर सुनकर लोग बहुत खुश होते हैं और मनोहर को भी बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद मनोहर कल्याणी को वापस अपने जादुई बांस के ऑटो रिक्शा में बिठाकर उसे अपने गाँव ले आता है। उस दिन से मनोहर हर गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करता है और उन्हें फ्री में यहाँ से वहाँ छोड़ देता है। अब गांव के सभी लोग मनोहर के ऑटो रिक्शा में बैठना पसंद करते हैं, जिसके चलते उसके दुख भरे दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। जादुई सोने का बांस घर। माँ आप अपना ख्याल रखना, मैं बांस की लकड़ी लेने जंगल जा रही हूँ। ये बोलकर 12 वर्षीय सलोनी आरी लिए जंगल की ओर अग्रसर हो जाती है, जहाँ एक बुढ़िया बैठी होती है। ये लो बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हारे लिए रोटी ले आई। सलोनी, तुम्हें स्मरण था? अरे बूढ़ी अम्मा, भूलती कैसे, पिछले 6 माह से आपसे मेल मिलाप जो बढ़ गया। वैसे भी मेरी माँ कहती है कि किसी की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुनहरी सीख दी है सलोनी। वैसे तुम्हारी माँ के रहते तुम इस बांस के जंगल में क्यों आती हो? इतने बचकानेपन में बांस का बोझा उठाकर तुम्हारे कंधे नहीं थकते? हाँ बूढ़ी अम्मा, मगर मेरे सिवा माँ का है कौन? माँ महीनों से बीमार है, ऐसे में मैं रोजाना इस जंगल से बांस काटकर बांस की टोकरी बर्तन बनाकर बाजार में बेचती हूँ, उसी से हम बेबस माँ बेटी का गुजर बसर चलता है। कुछ देर बाद, बूढ़ी अम्मा आपसे पते आते हुए मैंने बांस काट भी लिया और गठरी भी बांध ली, अब मैं चलती हूँ। सलोनी बांस की गठरियों का बोझा उठाए घर आकर देर दोपहरी धूप में टोकरी बर्तन बनाकर उन्हें बेचने बाजार जाती है। रात को राशन पानी लेकर घर आती है। समय ऐसे ही गुजरता है। अगली सुबह, ये लो बूढ़ी अम्मा, आज मैं आपके लिए बाजरे की रोटी लाई हूँ, साथ में लहसुन की चटपटी चटनी भी है। बुढ़िया सलोनी के हाथ का बनाया खाना खाकर उसका बखान करते हुए कहती है, अरे वाह सलोनी, तुमने तो सयानों को भी पीछे पछाड़ दिया, खाना बनाने में एकदम नपातुला हाथ है तुम्हारा। शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, मैं चलती हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक रात बब्बन उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे ओ मरियल माँ की बेटी, कहाँ मर गई? सामने आ। बब्बन चाचा आप? अरे छोकरिया जाकर अपनी अम्मा को बुला।
मैं बच्ची से बात नहीं करता। ममता बिस्तर से उठकर बाहर आती है। अरे आज मैं तेरी मरियल हाव भाव पर तरस नहीं खाने वाला। पिछले 6 महीने से माँ बेटी मुफ्त में मेरे घर में रह रही हो, भाड़ा क्या तुम्हारा बाप भरेगा? काका मैं चुकाऊंगी आपका भाड़ा। नादान चुकरिया तू चुकाएगी भाड़ा, बीते भर की है नहीं आई बड़ी। मैं तुम दोनों माँ बेटी को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपना झोला झमेला उठाओ और चलती बनो यहाँ से। मगर इतनी देर रात हम कहाँ जाएंगी? अरे कहीं भी डावाडोल हो बब्बन को बख्श दो। ये बोलकर बब्बन उस माँ बेटी को घर से निकाल बाहर कर देता है। दोनों बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं, तभी मौसम का रुख बदलता है। हे ईश्वर, इस दुनिया की भी अपनी गति अभी पकड़नी थी। बिटिया जल्दी से पाँव बढ़ा, बरसात होने के आसार हैं। दोनों माँ बेटी बांस के जंगल की ओर बढ़ने लगती हैं, तभी रास्ते के बीचों बीच सलोनी को वही बुढ़िया मिलती है जो सलोनी को टोकते हुए बोलती है, अरे सलोनी इतनी देर रात तुम इस बांस के जंगल में? बूढ़ी अम्मा हम दोनों माँ बेटी बेघर हो गए हैं। इस बांस के जंगल के सिवा तुझा कोई आसरा नहीं बचा। किसी बड़े बांस के पेड़ के नीचे रात काट लेंगी। उसकी जरूरत नहीं है सलोनी, आओ मेरे साथ। दोनों माँ बेटी बुढ़िया के साथ बांस जंगल के पेड़ों के पथ को पार करके एक चौरस स्थान पर आती हैं। बूढ़ी अम्मा ये तुम हमें बांस जंगल के बीचों बीच क्यों लाई हो? सलोनी मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक सुनहरा बांस घर बनाने वाली हूँ। अम्मा हम कुछ समझे नहीं। बुढ़िया अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों से एक ही पलचिन में एक सुंदर से सांचे का बांस घर बनाकर बोलती है, सलोनी ममता ये कोई साधारण बांस घर नहीं बल्कि एक सुनहरा सोने का जादुई बांस घर है। मगर ये बांस घर तो बाकी घरों के जैसे ही साधारण है। सलोनी जैसे ही तुम उस बांस घर से कुछ मांगोगी ये तुम्हारे स्वर शब्द सुनकर जादुई सोने के बांस घर में बदल जाएगा। भूख के मारे मेरे पेट में कबड्डी मची हुई है। ए जादुई सोने के बांस घर मुझे इसी समय खाने को भोजन दो। सलोनी के स्वर शब्द खत्म होते ही साधारण बांस घर सोने के सुहाने जादुई बांस घर में बदलकर अपने भीतर से 56 भोग की बौछार कर देता। ये तो सचमुच में सुनहरे बांस घर के सांचे में बदल गया। बूढ़ी अम्मा आपने ये कैसे किया? जरूर आपको एक जादूगरनी है ना? सलोनी समय आने पर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। अब मुझे जाना होगा। स्मरण रहे इस जादुई सोने के बांस घर से कभी अपना स्वार्थ मत साधना। इस सुनहरे बांस घर का सदुपयोग करना। ये बोलकर बुढ़िया वहाँ से चल देती है। दोनों माँ बेटी सुकून से उस सुनहरे बांस घर में सो जाती हैं। अगली सुबह, माँ मैं बांस की कटाई करने जंगल के अगले छोर में जा रही हूँ। सलोनी जब हमारे पास जादुई सोने का बांस घर है तो तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की क्या जरूरत है? माँ ये बांस घर मेरे लिए सिर्फ बसेरा है, मैं इसे अपना स्वार्थ नहीं साध सकती। ये सरासर गलत होगा। मैं अपनी मेहनत के बलबूते पर आपका और अपना पेट पाल सकती हूँ। समय गुजरता है। सलोनी हर एक सुबह बांस की कटाई करके दिन भर टोकरी बर्तन बनाती और सांझ होते उन्हें बाजार में बेचने जाती। एक दिन की बात है, सलोनी बांस काट रही थी तभी एक बूढ़ा वहां से रोते बिलखते गुजरता है। ठहरो बाबा आप इतने हताश परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बेटी, कल मेरी बेटी का ब्याह होना है मगर मुझ गरीब बेबस बाप के पास एक पैसा भी नहीं है। पैसे की पाबंदी से कल मेरी पगड़ी उछलने से बेहतर है मैं मर जाऊं। ठहरो बाबा मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। सलोनी उस बाबा को लेकर अपने जादुई सोने के बांस घर के पास आती है। ए मेरे जादुई सोने के बांस घर, ये बाबा बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इनकी बेटी के ब्याह के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सलोनी की निश्वर्त मांग सुनकर जादुई सोने का बांस घर सुनहरे चमक से सराबोर होकर
सोने के बड़े बांस घर के सांचे में ढलकर अपने भीतर से सोने के सैकड़ों सिक्के, जेवर और पैसे की भरमार करता है। ये लीजिए बाबा, इसे आप बतौर बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह कर पाएंगे। एकाएक तेजोमय प्रकाशमान के साथ बूढ़े बाबा बतौर उस बुढ़िया में बदल जाते हैं। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम? हाँ सलोनी, मैं तुम्हें परख रही थी कि तुमने मेरे बोल को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लिया है या नहीं। जादुई सोने के बाज घर के होने के बावजूद तुमने उससे अपना स्वार्थ नहीं साधा, खरी उतरी हो। अब मैं तुम्हें अपना पुख्ता परिचय जाहिर करती हूँ। ये बोलकर बुढ़िया एक जादुई परी में बदल जाती है। सर पर सुनहरा ताज, हाथों में जादुई छड़ी, ये पहरावा तो परी का होता है। तुमने सही पहचाना, मैं एक जादुई परी रानी हूँ जो एक तपस्वी की श्राप से इस बांस जंगल में बंधक बन गई थी। जानना नहीं चाहोगी कैसे? हाँ तो सुनो परी, आज तुम पूरे 18 बरस की हो चुकी हो। यही समय है जब परी की बेटी को परीलोक की परी रानी का पद प्राप्त होता है। आज से तुम परियों की रानी, मगर तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ संसार का भ्रमण करना होगा। परी अपने लोक को पार करके संसार में आती है। अरे ये बांस वृक्ष का जंगल तो बड़ा रोचक है, क्यों ना मैं यहाँ अपनी शक्तियाँ साधूं? परी अपनी जादुई छड़ी से बांस जंगल में कभी पथराव करती तो कभी मेह की फुहार बरसाती और अंत में आग से जंगल को जला दिया। तभी एक तपस्वी उसके सामने आ खड़ा होता है। घोर अनर्थ, तुम्हारे साथ उल्टा ने मेरी सदियों की तपस्या को भंग कर दिया। बाबा मुझे नहीं स्मरण था कि आप यहाँ साधना में लिप्त हैं। मैं अभी इस अग्नि को बुझा देती हूँ। अगले ही पल परी उस आग को बुझा देती है। इसका अभी कोई तात्पर्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ परी कि जिस शक्ति से तुमने मेरी सालों की तपस्या को भंग किया, तुम इसी पल छिन एक बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बन जाओगी और जब तक कोई नेक दिल यहाँ नहीं आएगा तुम यहीं रहोगी। और मैं बतौर बुढ़िया बनकर इस बांस जंगल में बंधक बनकर रहने लगी, मगर तुम वो नेक दिल निकली और तुम्हारे हाथों का आहार मेरा हथियार बन गया। मेरी शक्तियाँ लौटने लगी और आज मैं इस बांस जंगल से रिहा हो रही हूँ। सिर्फ तुम्हारी बदौलत आज से इस बांस जंगल की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों माँ बेटी पर छोड़ती हूँ। ये बोलकर परी गायब हो जाती है और दोनों माँ बेटी उस जादुई सोने के बांस घर में बसेरा बनाकर भावी भविष्य में बेबस बेसहारा लोगों की मदद किया करती।